हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज पॉर्चुला का प्लांट की प्रोपेगेशन शेयर करूँगी। कहने का मतलब है कि एक से बहुत सारे प्लांट आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं, इसी के ऊपर बात करूँगी। अच्छा लगे प्लांट वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को बेल आइकन क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है पॉर्चुलाका का प्लांट। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे पॉर्चुलाका, मॉस रोज, 9 o'clock प्लांट, 10 o'clock प्लांट, ऑफिस टाइम प्लांट, मॉस रोज भी कहते हैं इस प्लांट को। गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और वन ऑफ द बेस्ट हैंगिंग प्लांट है ये। आप हैंगिंग बास्केट में भी इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। और इन प्लांट्स की खास बात ये होती है फ्रेंड्स कि आप बहुत ईजिली एक प्लांट से बहुत सारे हज़ारों प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और बहुत सारे कलर्स में ये प्लांट अवेलेबल हैं नर्सरीज में और बहुत कम रेट में मिल जाते हैं, 20 से 25, यानी बहुत ज़्यादा भी लगे तो 30 रुपये तक में ये प्लांट 40 रुपये तक में मिल जाता है। अगर पॉट में लगा है तो 40 रुपये तक में आप लोगों को ये प्लांट बहुत ईजिली मिल जाएगा। बहुत सारे कलर्स आते हैं, जैसे पिंक, रेड, येलो, वाइट, और वेरीगेटेड वैराइटीज़ भी आती हैं। वेरीगेटेड वैराइटीज़ में आप एक ही फूल में 2-3 कलर भी देखने को मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप इन प्लांट्स को जितनी ज़्यादा धूप प्रोवाइड करेंगे उतनी ही ज़्यादा ये प्लांट जो है ये फ्लावरिंग करेगा। और ये इस प्लांट की खास बात है कि आप किसी भी तरह की मिट्टी में इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और बहुत आसानी से लग भी जाता है और ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं है। फ्लावरिंग इसका, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सितंबर का महीना चल रहा है और अभी भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। गर्मियों में ये अपनी फ्लावरिंग शुरू कर देता है, फूल देना ये प्लांट शुरू कर देता है। और आप इन प्लांट्स को बहुत सारे कलर्स वाले जो प्लांट्स होते हैं, जैसे गुलाबी हो गया, रेड हो गया, पिंक, येलो, वाइट, जितने भी कलर्स हैं आप सबको एक बड़े से पॉट में भी लगा सकते हैं। जो लंबे लंबे ट्रे जैसे पॉट्स आते हैं उसमें भी आप सबको एक साथ मिलाकर लगा सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है ये प्लांट। बस ध्यान रखें कि इन प्लांट्स में ज़्यादा पानी ना डालें। अब बात करती हूँ फ्रेंड्स प्रोपेगेशन की, कि प्रोपेगेशन कैसे करते हैं। तो इन प्लांट्स को आप, जैसे कि ये आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इसके ब्रांचेस जो हैं पतले पतले, इसके जो ब्रांचेस निकले हुए हैं आप कहीं से भी कैंची से भी काट सकते हैं, किसी प्रूनर से, या फिर वैसे ही हाथ से भी तोड़ सकते हैं। ये बड़ी आसानी से टूट भी जाता है और तोड़ के बहुत इजीली लग जाता है। जैसे कि मैंने, देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाऊं, मैंने कटिंग लगाई हुई है काफ़ी और काफ़ी प्लांट्स मैंने ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं पॉर्चुलाका के, बहुत सारे कलर्स में है और बड़ी आसानी से लग जाता है। तो आप छोटे छोटे साइज, जैसे मैंने इतने बड़े साइज़ का लगाया हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स, तो मेरे पास तो बहुत सारे कटिंग्स पड़े थे इसीलिए मैंने बड़े बड़े ऐसे डंडियों को लगा लिया है। आप इससे छोटे छोटे साइज़ की डंडियों को भी लगा सकते हैं, एक उंगली के जो ब्रांचेस होते हैं उनको भी तोड़ के आप लगा सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट जब बड़ा हो जाएगा। और बहुत जल्दी ग्रोथ होती है और ग्रोथ शुरू होने के साथ ही इन प्लांट्स की में फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। तो बहुत अच्छा प्लांट है ये, इजी टू मेंटेन, इजी टू केयर प्लांट है फ्रेंड्स घर में लगाने के लिए। एक तो सबसे अच्छी बात है इन प्लांट्स की कि बहुत सस्ते मिल जाते हैं और कम्प्लीटली आउटडोर प्लांट है, घर के बाहर ही रखिए, धूप जितनी ज़्यादा दीजिएगा उतनी अच्छी आपके प्लांट में उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो बहुत सुंदर लगता है हैंगिंग बास्केट में अगर आप लगा दें तो बहुत खूबसूरत दिखता है और बहुत सारे कलर्स आते हैं। बहुत अच्छा प्लांट है और बस ध्यान रखें इन प्लांट्स में ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। जब इसकी मिट्टी सूखने लगे तभी डालें इन प्लांट्स में पानी, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने की वजह से इसकी जो जड़ें होती हैं वो सड़ना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि बहुत, आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इसकी जो डंडी है, इसके जो ब्रांचेज हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, अगर गलती से हाथ लग जाता है ना तो भी ये अपने आप टूट जाते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। और बहुत सारी कलियां बन रही है, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी कलियां बन रही हैं, बहुत सारी फ्लावरिंग होती है इन प्लांट्स में। बहुत खूबसूरत लगता है जब एक साथ फ्लावरिंग हो रही हो, बहुत सारे कलर्स आपने लगाए हुए हैं अपने घर में, तो देखकर बड़ा सुकून मिलता है मन को, अगर जो प्लांट लवर हैं उनको।
और बाकियों को भी लगता होगा क्योंकि फ्लावर्स फूल किसे पसंद नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये प्लांट वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।